आज प्रायः सभी मानव आध्यात्म जगत में यही मन के अंदर प्रश्न उपस्थित होता है कि संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ है, दर्शन है, वेद है, उपनिषद है, इन सभी ग्रंथों के आधार पर जो दर्शन शास्त्र है उसको दर्शन शास्त्र के रूप में आज मनुष्य मानता है। लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो दर्शन शब्द का अर्थ ही होता है, यह जो शब्द है यह संस्कृत के दृढ़ धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन, अर्थात यथार्थ रूप से जिस वस्तु का दर्शन किया जाए उसको दर्शन शब्द से कहा गया है। दर्शन शब्द का वास्तविक अर्थ हम देखें तो जिसका अर्थ होगा दृश्यते ज्ञायन्ते यथा तथ्यता, आत्मा परमात्मनो बुद्धि इंद्रिय आदयो अतिंद्रियः सूक्ष्म विषयः येन तत् दर्शनो, अर्थात जिससे सूक्ष्म विषय आत्मा परमात्मा मन इंद्रिय बुद्धि आदि जिसका प्रत्यक्ष दर्शन होता हो। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हम केवल ये पंचभौतिक नेत्रों से देखने का तात्पर्य हम नहीं लेंगे क्योंकि आत्मा परमात्मा मन आदि इंद्रियों को हम भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, इसको केवल समाधि अवस्था में आत्मचक्षुओं से देखा जाता है। इस कारण से दर्शन जो शब्द है उसकी परिभाषा होगी जो आत्मा के द्वारा आत्मा की दृष्टि से जिसको देखा जाए उसको दर्शन शब्द हमें मानना चाहिए और उसी को समझना चाहिए। आज प्रायः सारा संसार संसारिक सुख उपभोग भोगते हुए आगे बढ़ रहा है। संसार में सुख उपभोग के विभिन्न प्रकार के साधन बने हुए हैं जिसमें सुख साधन और समृद्धि से युक्त होकर के मानव आज यह भुला बैठा है कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए संसार में आया हूँ, इस विषय को मानव भुला चुका है। इस कारण से मनुष्य सुख शांति में रह करके उसने आत्मा और परमात्मा को भुला दिया। जब मानव आत्मा और परमात्मा को भुला देता है तो संसार में विभिन्न प्रकार के दुख कष्ट भय चिंता व्यवधान आदि विभिन्न प्रकार की परेशानियों को हमने उत्पन्न कर रखा है जिसके कारण जिसके बदौलत हमें भी संसार में मन बुद्धि के धरातल पर या शरीर के आधार पर हमें इसका दुख का उपभोग करना पड़ता है। इस कारण से मनुष्य ने संसारिक सुख साधनों को ही सब कुछ मान लिया। इस कारण से मनुष्य आज चिंतित है, दुखी है, भय से युक्त है। इस कारण से मानव को यह समझना चाहिए कि संसार में जो आज पहले की अपेक्षा जो धन संपत्ति सुख साधन जो हमारा जीवन परिपूर्ण हो रहा है, इस परिपूर्ण जीवन में यदि हमने परमात्मा को नहीं जाना, आत्म तत्व को नहीं जाना, तो मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। हमें सुखी होने के लिए हमें अंदर की ओर जाना होगा क्योंकि हम बाहर की ओर तो दौड़ रहे हैं, संसार में दौड़ रहे हैं, लेकिन हम अंदर जाकर के नहीं देख पा रहे हैं कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ से प्राप्त होगा। क्योंकि दर्शन का विषय है, दर्शन का अर्थ ही होता है कि आत्मा के द्वारा देखना, तो हमें अंदर से जब हम देखेंगे तभी जाकर के हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आत्म अनुभूति की हम प्राप्ति कर सकते हैं। इस कारण से संसार में जितने भी सुख शांति है ये संसार में सुख नहीं है। इस कारण से उपनिषदों ने कहा न वृत्ते न तर्पणियो मनुष्य, संसार में जितने भी धन दौलत जो भी मिल जाए इससे हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती है। आज हम संसार में विभिन्न सुख साधनों में सुविधाओं में हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति पर हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण से सांख्य दर्शन भी कहा गया है न दृष्टा तत् सिद्धि है अपि अनुवृत्ति दर्शन, संसार में जो हमें सुख शांति जो भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हो जिसमें हमें धन साधन संपत्ति भूमि जमीन जो भी हमें संसार में जो भी रिश्ते
सगे संबंधी जो भी मिल रहे हैं, इसमें हमें सुख नहीं है, क्योंकि ये तो संसार का जो सुख है इसमें हमें सुख नहीं मिल सकता है। इस कारण से ये सब दुखों का कारण है। जिसमें हम सुख मान रहे हैं उसमें दुख छिपा हुआ है, हम उस दुख को नहीं समझ पा रहे हैं। इस कारण से आगे भी कहा गया था, अमृतत्वस्य तो नाश्यन्ति वृत्तेन इति। जो संसार में जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो धन संपत्ति हमें प्राप्त हो रहा है, हमें लगता है कि इसमें हमें सुख भी मिलेगा और अंततः हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि संसार में जो हम सुख साधन जो हम मान रहे हैं, जिसमें सुख साधन मान रहे हैं, जिसमें सुख नहीं है, जिसमें सुखी नहीं हम उसको सुख मान रहे हैं, उसके अंदर कभी भी हमें आत्मा के अंदर शांति नहीं मिल सकती है, हमारे मन के अंदर शांति की अनुभूति नहीं आ सकती है, हमारा मन कभी भी हमारे बस में नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में देखेंगे तो सभी लोग ध्यान किया करते थे, सभी लोग आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते थे, तो सभी मानव उस समय सुख शांति से युक्त थे। आज का मानव सुख साधन से युक्त होने के पश्चात भी भौतिक जो लावण्य है उसमें आकर के, उसमें फंस करके मानव ये भुला चुका है कि हमें सुख कहाँ से मिलना है। वास्तव में देखा जाए तो सुख केवल परमात्मा में है। यदि सारी समस्याओं का समाधान किया जाए, जब हम परमात्मा को जानेंगे, उसको अपना साध्य मान करके हम उसको अपने हृदय के अंदर बिठाएंगे, तभी जाकर के मनुष्य को सुख मिल सकता है, तभी जाकर के मनुष्य के यथार्थ जो है ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आत्म अनुभूति के द्वारा जो उसको वास्तविक शांति की अनुभूति होती है, वही वास्तविक शांति की अनुभूति है। संसार में हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात हमें थोड़ी देर में फिर भूख लगती है, पानी पीने के पश्चात फिर प्यास लगती है। संसार में पुनः पुनः हमें जल अन्न ग्रहण का सेवन करना पड़ता है। सर्दी में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये अल्प समय के लिए हम सुखों का उपभोग करते हैं, लेकिन ये अस्थायी सुख नहीं है। अस्थायी सुख कब हम प्राप्त होगा? जब हम आत्मा की अनुभूति करेंगे, आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, जब हमारी आत्मा जागृत होगी और जब हम अपने हृदय के अंदर परमात्मा के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को बिठाएंगे, तब जाकर के हम वास्तव में सुखी मानव कहला सकते हैं। संसार में आज कोई भी मानव सुखी नहीं, ये सब दुखी है, सब धन संपत्ति से युक्त है, सब अपने आप को मानते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ, लेकिन मानव धन संपत्ति से कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी संपन्नता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश है, जिसके अंदर ब्रह्मज्ञान का प्रकाश है, जिसने परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला को जाना हो, जिसने अपनी आत्मा को जाना हो, यथार्थ स्वरूप को जिसने जाना हो, वही मनुष्य संसार में वास्तव में सुखी रह सकता है, वही संपन्नता से युक्त रह सकता है। हमने 1 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, यह संपत्ति जो है शरीर के नष्ट होने के साथ साथ यह संसार में ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। संपत्ति हमारे शरीर के साथ, हमारे जीव के साथ, या तो हमारे आत्मा के साथ शरीर छूटने के पश्चात यह संपत्ति नहीं जा सकती है। ये धन संपत्ति, धन दौलत, पति पत्नी का संबंध हो, परिवारों का जो संबंध हो, वो सब कुछ शरीर तक का संबंध है। शरीर छूटते ही सारा संबंध यहीं छूट जाएगा। इसलिए जो हमारे शरीर के साथ जो जाने वाला हो, इसलिए कहा गया है धर्म नित्य, क्योंकि धर्म जो है नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। इसलिए परमात्मा भी सत्य है, सनातन है। इस कारण से हम उस तत्व को जानेंगे, उसको अपने दिल के अंदर बिठाएंगे, तभी जा करके मानव सुखी हो सकता है, तभी जा करके मानव पूर्ण रूप से सुखी हो सकता है। पूर्ण रूप से सुखी केवल भौतिक पदार्थ से नहीं हुआ जा सकता है, पूर्ण रूप से सुखी होने के लिए हमें पूर्णा इति पूर्णा जो परमात्मा है, हमें उसको जानना होगा, उसके स्वरूप को जानना होगा, उसको अपने दिल में बिठाना होगा। उसको जानने के लिए हमें ब्रह्मज्ञान के शरण में जाना होगा, आत्म चिंतन करना होगा, आत्म निरीक्षण करना होगा, और हमें यह जानना होगा कि जो हमें मानव तन मिला हुआ है वो किस लिए मिला हुआ है। इस कारण से मानव जीवन की यथार्थ को देखते हुए, मानव जीवन की सफलता को देखते हुए, मानव जीवन में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये मानव जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, संसार के विभिन्न सूक्ष्म पदार्थों को हम समाधि अवस्था में देख सकते हैं। क्योंकि एक समाधि अवस्था ही ऐसी अवस्था है जहाँ पर मन चित्त बुद्धि से परे होकर के केवल आत्मिक दृष्टि से हम आत्मा और परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, अपने विकारों को नष्ट कर सकते हैं।
क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम अपने विकार को नष्ट कर सके। उपनिषद की वाणी भी कहती है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हम कब अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, कब हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, जब हमारे अंदर हृदय के अंदर परमात्मा की छवि बैठ जाएगी, जब हम आत्मा और परमात्मा को जानेंगे, उस समय हृदय की जितने भी ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ आदि जो भी विकार होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। जब ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे तब जाकर के तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब जाकर के हम अपने परमात्मा को, अपने प्रियतम को अपने हृदय के अंदर विराजमान कर सकते हैं, जिसके दर्शन होते हृदय के अंदर जितने भी बंधन है, जो भी गांठ है, जो कर्मों का जब बंधन है, जो कभी क्षय नहीं हो रहा है, जिसके कारण मानव पुनः पुनः माता के गर्भ में आ रहा है, संसार में आकर के जन्म मरण के चक्र में भटक रहा है, वह सारा बंधन समाप्त होकर के वो परमात्मा को प्राप्ति कर लेगा और उसको कभी भी इस संसार में पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ये दर्शन का विषय है। दर्शन शब्द से हम आत्मा और परमात्मा को लेंगे, जिसके द्वारा हम आत्मा और परमात्मा को अपने दिल के अंदर बिठा सकते हैं। जिस दिन मानव या तो अभी से वर्तमान समय से ही जब मानव को ज्ञान हो जाए कि संसार में सुख नहीं है, केवल परमात्मा के ही चरणों में सुख है, जब मानव इस चीज को जान करके परमात्मा की भक्ति में लगेगा, ध्यान में लगेगा, चित्तवनी के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, वाणी का मंथन करेगा, धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करके जब आत्म तत्व के पहचान करेगा, उस समय मनुष्य को वास्तविक सुख की अनुभूति होगी। संसार के जो नश्वर जो पदार्थ है, जो संसार की नश्वर वस्तुएं है, इसमें कभी मानव को सुख नहीं मिल सकते। इसमें क्षणिक सुख तो हमें उपलब्धि हो सकती है, लेकिन यथार्थ में जो जिसको वास्तविक सुख कहा जाता है, वह सुख तो केवल आत्मा को जानने से, परमात्मा को अपने दिल में बिठाने से, उसके स्वरूप को अपने हृदय के अंदर धारण करने से ही मानव को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। संसार में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम आत्मा अनुभूति कर सके, आत्मा की सुख को हम प्राप्त कर सके, परमात्मा के स्वरूप को अपने दिल में बिठा सकें, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो ज्योति है उसको अपने हृदय के अंदर धारण कर सकें। क्योंकि असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। क्योंकि हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है, मृत्यु से हमें अमृतत्व की ओर आगे बढ़ना है, और मृत्यु से हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम स्वयं को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जब हम इस चीज को जान करके जब आगे बढ़ेंगे, स्वयं आत्मिक दृष्टि खोल करके देखेंगे, आत्म चक्षु से उसको देखेंगे, यथार्थ सत्य की हम पहचान करेंगे, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि जो प्राप्तम प्रापणीयम, जो मुझे प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया, और मुझे अधिक किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमें यह बात मालूम हो जाएगी, जिस दिन हम इस रहस्य को समझ जाएंगे, उस दिन हमारा मानव जीवन जो प्राप्त करना है वो धन्य माना जाएगा। तभी जाकर के मनुष्य जीवन की सफलता होगी, तब जाकर के ये मानव जीवन जो हमारा जो जीव है, ये भी जन्म मरण के चक्र से छूट करके अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।